नमस्कार दोस्तों, एडवोकेट केला सैनी कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आर्य समाज के मंदिर में शादी कैसे की जाती है और किस प्रकार से की जाती है और किस किस की एज लिमिट होती है। दोस्तों दोस्तों इसमें सिंपल सी बात है कि आर्य समाज के मंदिर में शादी की एज दोस्तों इसमें 21 साल का लड़का और 18 साल की लड़की होनी अनिवार्य की, ये कानूनी प्रावधान है। दोस्तों आर्य समाज के मंदिर में इंटरकास्ट है या कास्ट है दोनों को देखे जाता है। दोस्तों आते आर्य समाज के मंदिर में रजिस्टर मैरिज कैसे की जाती है इसके बारे में आप इस तरह से बात करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत से लड़की लड़कियां या लड़के जवानी में घर से निकल जाते हैं, भाग कर किसी वकील के पास जाते हैं, इस वकील साहब मेरी शादी करवाइए। तो दोस्तों इसमें आर्य समाज के मंदिर में शादी का क्या प्रावधान है दोस्तों आपको बता दो। आर्य शादी आर्य समाज के मंदिर में एक रजिस्टर्ड शादी होती है, यह एक लीगल शादी मानी जाती है। दोस्तों आर्य समाज के जो मंदिर होता है वो ट्रस्ट होता है, उसमें वहाँ के जो मुख्य मंत होते हैं वो उन दोनों लड़के और लड़कियों की पहले तो देखते हैं कि ये दोनों एक समाज के हैं कि अदर समाज के हैं। अगर दोनों 18-21 साल के बालिक व्यक्ति है तो उनको वहाँ के जो मैं आर्य समाज के मंदिर के जो महंत होते हैं वो दोनों उसको देख के उनके दोनों को वहाँ के बुला के उनकी जांच पड़ताल करने के बाद बेकायदा रजिस्टर में एंट्री करके उनकी रजिस्टर्ड मैरिज करवा के उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो दोस्तों वो सर्टिफिकेट लेने के बाद ये कानून का एक हिस्सा है, ये लीगल शादी मानी जाती है। दोस्तों आर्य समाज के मंदिर में शादी होने के बाद आप उस सर्टिफिकेट से रजिस्टर्ड मैरिज सर्टिफिकेट भी बना सकते हो, ये शादी रजिस्टर्ड मानी जाती है। दोस्तों इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आर्य समाज के मंदिर में जो शादी होती है वो रजिस्टर्ड और लीगल शादी मानी जाती है। लेकिन दोस्तों उस शादी के जो सर्टिफिकेट मिलता है वहाँ का रजिस्टर्ड बेकायदा, उसकी साइन होके मिलते कि हमारे कल कुछ पुलिस अगर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज तो वह खुद बयान देते कि इनको रजिस्टर मैरिज हमारे सामने हुई है, मंदिर में हुई है और ये सर्टिफिकेट हमने जारी किया इस तारीख को किया है। इसलिए दोस्तों उस आर्य समाज के जो सर्टिफिकेट है रजिस्टर्ड उसको ले जाके आप SDM कार्यालय से या नगर पालिका कार्यालय से या नगर पुलिस कार्यालय से आप मेरे सर्टिफिकेट बना सकते हैं जो लीगल डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपके काम आ सकता है। इसलिए दोस्तों किसी को भी ये घबराने की जरूरत नहीं है कि आर्य समाज के मंदिर की शादी वैलिड नहीं है। दोस्तों वैलिड है, लेकिन इस शादी के पहले अपन को पुलिस आदि को जानकारी देनी पड़ती है कि मैं शादी जाके आर्य समाज के मंदिर में कर रहा हूँ, तो वो वैलिड मानी जाती है दोस्तों। और इस सर्टिफिकेट से आप मेरिज सर्टिफिकेट जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो बना सकते हो। इसलिए दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इसमें लाइक और जरूर सब्सक्राइब जरूर किए और ओके के बटन पे जरूर सब्सक्राइब किए। देख